हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप सिंह, आपका हमारे चैनल स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि मैंने जो ZV-E10 क्यों चूज़ किया इंस्टीड ऑफ R50। ये काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव कैमरा है विद सोनी ZV-E10, तो मैंने इसको क्यों चूज़ किया। तो सबसे पहला कारण है प्राइस। तो डेफिनेटली जो मुझे ZV-E10 था वो 10,000 सस्ता पड़ रहा था विद किट लेंस, एंड विदाउट किट लेंस मुझे 20,000 सस्ता पड़ रहा था। सो डेफिनेटली जो प्राइस ये काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है। जो किट लेंस वगैरह नहीं लेते हो तो आपको 20,000 सस्ता पड़ जाएगा इंस्टीड की। उसके साथ कोई ऑप्शन ही नहीं आता कि बिना किट लेंस के साथ लो, बट मैंने ये किट लेंस के साथ ही लिया क्योंकि इसका जो किट लेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो उसका किट लेंस है R50 का वो है 18-55 एंड अपर्चर भी उसका 4 से स्टार्ट होता है, तो लो लाइट के लिए भी अच्छा नहीं है। एंड उसमें जो फोकल लेंथ है वो भी मुझे कोई यूज़फुल नहीं लगती, क्योंकि अगर आपने व्लॉगिंग वगैरह करनी है तो 16mm जो मिनिमम है, अगर आप क्रॉप सेंसर को यूज़ कर तो 16mm जो ये इसके साथ आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर मैंने ब्लॉगिंग वगैरह करनी होती है तो इसके साथ आ जाता है। तो इसका जो माइक वगैरह है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके साथ विंडो अडैप्टर भी मिलता है आपको इसके साथ फ्री, जो R50 के साथ नहीं मिलता। बट R50 में आपको इनबिल्ट फ्लैश वगैरह देखने को मिलती है, जो मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि मैं कभी इनबिल्ट फ्लैश वगैरह यूज़ नहीं करता फोटोज़ वगैरह के लिए। जब मैं एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ करता हूँ या फिर मैं एक्सटर्नल लाइट्स वगैरह यूज़ करता हूँ, व्यू फाइंडर है वो भी मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं ज़्यादा हाई एंगल या लो एंगल से ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसलिए व्यू फाइंडर मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। बट व्यू फाइंडर वहाँ एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड अगर आप आउटडोर में शूट करते हो तो व्यू फाइंडर काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बट वो एक कारण मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं कैमरा डिसीजन अपना जो R50 पर शूट करूँ। R50 पर जो कलर्स वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं इंस्टेड ऑफ दिस, बट इसके इतने बेकार नहीं है कि इसको मैं छोड़ दूँ। बट इसके भी कलर ठीक ठाक हैं, बट ये 8-bit कलर हैं, उसके जो कलर हैं इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेरा मेन रीज़न था इस पर स्विच करने का वो था लेंस ऑप्शन, क्योंकि उसमें RF माउंट आता है, तो RF में जो लेंसेज वगैरह आते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। कैनन पर RF माउंट पर आप थर्ड पार्टी लेंसेज यूज़ नहीं कर सकते, ऑटो फोकस वगैरह है वो काम ही नहीं करता। सो दैट्स वाई आई चूज़ ZV-10। इस पर आप ई माउंट में जो भी थर्ड पार्टी लेंसेज हैं उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे सिग्मा टैमरॉन वगैरह। तो मैंने सिग्मा का 30mm लेंस लिया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, एक लो अपर्चर या लो लाइट के लिए एक लेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हो तो आपको लो लाइट सिचुएशन में आपको जरूरत पड़ेगी, और काफ़ी ज़्यादा हाई ब्लर मिलता है। R50 के साथ कोई भी इतना सस्ता लेंस आपको नहीं मिलता। तो 50mm वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फोकल लेंथ हो जाती है, तो आप उसको वीडियोज़ वगैरह में शूट नहीं कर सकते अगर आप काफ़ी ज़्यादा कंपैक्ट स्पेसेस पर शूट कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई जो लेंस ऑप्शन के लिए हमेशा ZV-E10 जो ऊपर रह जाता है R50 से। एंड क्योंकि ई माउंट लेंसेज के साथ भरमार आती है लेंसेज की, आप कोई भी लेंसेज यूज़ कर सकते हो। तो मैंने फ्यूचर में अगर कभी अपग्रेड भी करना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट में अच्छे लेंसेज वगैरह भी चूज़ कर सकता हूँ। और जो ऑडियो पोर्ट वगैरह है वो भी नहीं है R50 में, तो डेफिनेटली ऑडियो पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने जो ऑडियो वगैरह भी रिकॉर्ड करनी है एंड यूज़ करनी है, तो आई ऑलवेज अगर मैंने किसी और को शूट करना है तो मैं ऑडियो के लिए जो हेडफोन वगैरह इसमें अटैच करके सुन लेता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि ऑडियो लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड बैकग्राउंड नॉइस वगैरह उसमें रिकॉर्ड नहीं हो रही। सो डेफिनेटली जो ऑडियो पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जो उसकी LED है वो टच स्क्रीन है, एंड उसकी जो क्वालिटी है LCD की R50 में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो ZV-E10 की इतनी अच्छी नहीं है। बट सिर्फ इसमें आपको सिर्फ टच ऑटो फोकस मिलता है, बट मेरे लिए वो काफ़ी था क्योंकि उसमें जो लेंस ऑप्शन वगैरह है जो सबसे ज़्यादा मेन कारण है। बट डेफिनेटली जो R50 की जो स्क्रीन है काफ़ी ज़्यादा बेटर है, अगर आपको स्क्रीन ज़्यादा मैटर करती है। जो उसमें क्वालिटी वगैरह है वो भी अच्छी मिलती है, क्योंकि उसमें 160 MB/s तक की आप शूट इंस्टेड आप इसमें 2 MB तक की रिकॉर्ड कर पाते हो। बट मेरे पास इतना भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा PC नहीं है कि मैं अपनी जो 100 MB की बड़ी बड़ी फुटेजेस को जो अच्छे से रेंडर कर पाऊँ, काफ़ी जल्दी रेंडर कर पाऊँ। डेफिनेटली मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसमें 4K 100 FPS 6K ओवर सैम्पल मिलती है, उसमें भी 6K ओवर सैम्पल 4K बनती है, तो डेफिनेटली दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो ज़्यादा जो टिक पॉइंट थे वो मेरे ZV-E10 क्लिक कर रहा था, सो दैट्स वाई आई स्विच टू ZV-E10। तो ZV-E10 के साथ एक ऑफर था जिससे मुझे जो सोनी के C700N जो हेडफोन भी फ्री में मिल रहे थे, तो उसकी प्राइस भी आपको 5,000-6,000 तक मिल जाती है, वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे। एंड मुझे उसकी भी ज़रूरत थी कोई हेडफोन्स की, तो डेफिनेटली मैंने वो भी चूज़ किया। तो डेफिनेटली अगर जो लेंस वगैरह के ऑप्शन ज़्यादा RF माउंट पर होते तो ज़्यादा चांस थे कि मैं R50 पर स्विच करता, क्योंकि उसमें आपको व्यू हैंडर मिलता है, अच्छी LCD मिलती है, आपको टच LCD मिलती है,
10 बिट के आपको कलर्स वगैरह मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं उस पर स्विच करता, बट जो लेंस ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, बट उसमें जो स्टेबलेशन जो R50 में सिर्फ डिजिटल है, इसमें गायरोस्कोपिक एंड डिजिटल दोनों ही है। तो गायरोस्कोपिक को आप यूज़ कर सकते हैं इस कैटलिस्ट ब्राउज को यूज़ कर, काफ़ी अच्छी स्मूथ फुटेजेस, गिम्बल लाइक फुटेजेस आप ले सकते हो। तो डेफिनेटली जो हैंड हेल्ड शूट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ZV-E10। एंड जो लेंस उसके साथ किट लेंस आता है वो भी मेरे लिए एक तरह से यूजलेस था, जो 18-45, क्योंकि मैं ज़्यादा पर्सनली यूज़ नहीं करता वो फोकल लेंस। आप देखिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा क्लिक करती हैं, बट लेट मी टेल यू जो लेंसेज वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड अगर आपके पास जो लेंसेज के लिए ऑप्शंस वगैरह नहीं है RF माउंट में, तो डेफिनेटली आपको जो सोनी के साथ ही ई माउंट के साथ ही क्लिक करना चाहिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वन वीडियो एंड meet in next one.